रेडी, डाउन अप डाउन अप। स्वागत है डायरेक्ट इंडिया पे दोस्तों। आज हमें शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के गांव धामूपुर, ये गांव है गाजीपुर क्रांतिकारियों की धरती। आज हम आपको दिखाएंगे जो भारतीय सेना में जो जवान भर्ती होते हैं वो कैसे तैयारी करते हैं, वो जो देखिए हमारे बीच ये जवान है ये तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी की जाती है इसके बारे में हम बात करेंगे। स्वागत भैया। नमस्कार, मेरा नाम संजय चौहान है। आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? यस सर, हम बच्चों को लीड करते हैं। अच्छा। यस सर, जैसे हमारे जितने बड़े भाई छोटे भाई हैं हम इन लोगों को थोड़ा सा बस हेल्प करते हैं कि रनिंग के हिसाब से, फिर उसके बाद रनिंग कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, उसके बाद पुशअप किया जाता है, बॉडी फिटनेस के लिए मतलब पूरा ट्रेन करते हैं। अच्छा। यस सर, कब से आप ये करते हैं? सर हमारे मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। यस सर, आप कई भर्ती देखिए? यस सर, भर्ती हम 2013 से देख रहे हैं, इसमें हमारी जो कि 3 भर्तियाँ निकल चुकी हैं, 3 भर्तियाँ निकली हैं जिसमें हमारा जो कि मेरिट लिस्ट से छठे, जो कलर के इंडियन आर्मी कलर के मेरिट लिस्ट से छठे हैं। अच्छा। यस सर, आप ये कब आते हैं, सुबह शाम? दो सर, दोनों टाइम रनिंग चलती है हमारी। अच्छा, तो क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को आप? बच्चों को सर सबसे पहले कि नॉर्मली रनिंग सिखाते हैं, रनिंग के बाद वही समझे से पूरे मतलब बॉडी पार्ट मतलब योगा की तरह होता है, पूरा फिटनेस के तैयारी कराते हैं। अच्छा। यस सर, तो कैसे पुशअप कराते हैं थोड़ा सा? सर पुशअप ऐसे कराते हैं कि हम जैसे रनिंग कर लेते हैं जो कि जो भी अगर हमारा जो 2.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, रनिंग के बाद बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स कराते हैं, रिलैक्स के बाद फिर उसके बाद बच्चों को हम पुशअप करवाते हैं। अच्छा। मतलब कि मतलब हमारा जो फिटनेस है, चेस्ट वगैरह मोटी बॉडी बिल्कुल फिटनेस रहे। अच्छा। अगर सर स्टार्टिंग से मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं दौड़ना तो कितने किलोमीटर दौड़ सकते? सर नॉर्मली हम लोग जैसे नॉर्मली रनिंग करते हैं स्लो में, तो पहले वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग में जैसे सर 100 मीटर और 200 मीटर की वॉकिंग करते हैं, उसके बाद हम सर 5 किलोमीटर की रनिंग लगाते हैं। अच्छा, 5 किलोमीटर। यस सर, वो भी नॉर्मली रनिंग लगाते हैं। अच्छा। यस सर, दोस्तों हम मौजूद है शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के गाँव में। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है क्या, आप लोग रोड पे दौड़? सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्राउंड की, हमारे बच्चे जितने हमारे दोस्त जितने बड़े भाई जितने हम लोग रिक्स लेकर इस हाईवे पर रनिंग करते हैं, जो कि शायद हम अदर जगह जाते हैं देखने को मिलता है कि हर क्षेत्र में हर जगह में ग्राउंड मिलता है, लेकिन हमारे इस ग्राम में मतलब धामूपुर में सर इतनी प्रॉब्लम है कि जो कि एक माना जाता है कि हमारे देश की शहीदी धरती बोली जाती है गाजीपुर, और इस गाजीपुर में सबसे मतलब कहने में दुख हो रहा है कि हमारे परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी के यहाँ मुझे ग्राउंड नहीं मिला है। बहुत शर्म की बात है, जो कि हमारे पूरे देश के एक ऐसे युवा हैं जो कि इतिहास खड़ा कर चुके हैं, आज इतिहासों में उनका नाम है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे यहाँ से कि हम अपने जैसे अपने MLC साहब, प्रधान जी, मतलब अपने इस अपने बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, जो कि हम अपनी इस बात से मतलब बातें पहुंचाना चाहते हैं कि शायद हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड मिले। अच्छा, तो लॉकडाउन में इस टाइम तो कोई भर्ती आई नहीं सर? भर्ती तो नहीं आई, लेकिन बात है कि एक आस लगी रहती है, हमारे जो भाई हैं जो बड़े छोटे भाई एक आस लगा के रखें, जो कि 2020 में और 21 जो आ गया, जो कि 2 साल से हमारे लॉकडाउन में बच्चों का भी मनोबल डाउन हो गया, फिर भी बच्चे हमारे एक आस लगाए कि मुझे जुनून है कि मतलब इंडियन आर्मी में जाना है, ओवर एज भी हो रही फिर भी जुनून इनके अंदर है कि शायद हो सके कि सरकार मेरे लिए कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। अच्छा। तो हमारी ये भी गुजारिश है सरकार से, दरबार से, कि शायद हमारे बड़े भाई जो भी है, छोटे भाई जो भी है, मेरे मित्र दोस्त यार जो भी इनकी जिनकी भी उम्र अगर लॉस हो रही है तो शायद उनके लिए बरातिया दी जाए। अच्छा, तो कितना है 18 से? सर हमारी जो शुरुआत होती है कि जो कि 17.5 से स्टार्टिंग है। अच्छा। इंडियन आर्मी जो कि इंडियन आर्मी 17.5 से शुरुआत होती है, GD के लिए सर 21 साल होती है, और टेक्निकल और सर क्लर्क के लिए आती है 23 साल। अच्छा सर, UP SSC वाली जो है आप उसकी भी वैकेंसी आप लोग देखते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ सब भी देखते हैं। अच्छा, जो PET लागू हो गया उसके लिए आप क्या कहना? सर PET लागू हुआ तो जिस इसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बोले, जो कि PET का जो इसमें दिया है कि UP SSC में जैसे नेकपाली चकबंदी में सिर्फ उसके लिए लागू है, बाकी केंद्र के लिए नहीं सर है इसमें। अच्छा। तो इसमें यह दिया गया कि UP SSC के अंदर जो भी वैकेंसी आएगी, जैसे हमारा चकबंदी हुआ, लेखपाल हुआ, इसमें जो भी वैकेंसी आएंगी तो उसमें जो बच्चे क्वालिफाई PET क्वालिफाई रहेंगे, PET जो क्वालिफाई रहेंगे तो वो बच्चे मतलब बैठ सकेंगे, वो भी 1 साल की वैधता है सर। अच्छा, तो कैसा आपको लग रहा है ये लागू हुआ? सर लागू हुआ है तो बहुत से मतलब बहुत से बच्चों का कहना है कि सर ये होना नहीं चाहिए, कि हमारे मतलब UP सरकार में क्योंकि बहुत से बच्चों की उम्र ओवर एज जा रही है, और ये भी कहना है कि सर बहुत से बच्चे मतलब नॉर्मली सबसे पहले कि गवर्नमेंट बिना मतलब सोचे समझे कि तर्क ले रही है, तो जैसे पहले बात अगर शायद किया जाए तो मतलब अगर शायद एक बात विमर्श कर लिया जाए कि नहीं इस वैकेंसी का मतलब ये हम कार्रवाई करना चाहते हैं, जैसे आपस में मत करें, लेकिन ये भी तो एक न्यूज़ देना चाहिए कि नहीं ऐसी बात है, ये करना है, अनिवार्य होगा या नहीं होगा, शायद हमारे बेस से तो ये भी ठीक है, क्योंकि एक शिक्षित के लिए अच्छा है। अच्छा। ये हमारा कहना है कि अगर हमारे देश में अगर शिक्षित होंगे तो इतना तो पता चलेगा कि नहीं चलो ठीक है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोग हमारा मतलब जो भी बड़े भाई छोटे भाई बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो PET का आवेदन हो रहा था उसमें 3-4 दिन से वेबसाइट नहीं चली? सर वेबसाइट है तो बहुत काफ़ी लॉस हुआ है इसमें, बहुत से बच्चे आज की जो लास्ट डेटिंग है, नहीं सर कॉल की लास्ट 21 तारीख की जो कि लास्ट डेट थे, लेकिन हम एक गुजारिश करना चाहते हैं
हैं कि बहुत से मेरे भाई नहीं समझ पाए थे और बहुत से भाई नहीं जान पाए थे, तो हम गुजारिश से अपने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से ये गुजारिश करूँगा कि शायद अगर शायद इसकी डेट बढ़ा दी जाए। अब इस कोरोना काल की वजह से बहुत से लोग बाहर नहीं जाए, जो कि पाबंदी था, बहुत से लोग जाए नहीं, वो भी अब टाइमिंग था कि साथ से साथ क्लोजिंग, बहुत से मतलब डर के मारे लोग दुकानें पे नहीं जाते थे, भाई अब हमारे बाहर नहीं निकलते थे, तो इससे हम गुजारिश करेंगे शायद अगर 1 वीक या 2 वीक अगर बढ़ा दिया जाए, उसकी साइड ओपन कर दी जाए, तो शायद हमारे बड़े भाइयों के जो भी छोटे भाई मेरे दोस्त मित्र यार हैं तो उनका भी अप्लाई कर दिया जाए। दोस्तों देखिए, पीटी की जो वेबसाइट थी वो 3-4 दिनों से नहीं चल रही थी, किस तारीख लास्ट डेट थी? 21 तारीख सर। हाँ तो सर पुशअप कैसे लगवाते हैं बच्चों? सर हम पुशअप ऐसे लगवाते हैं कि जैसे हम रनिंग कर लेते हैं, करने के बाद थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं, तो फिर अपने बच्चों को साथ में लाइनअप करवा के पुशअप लगवाते हैं। सर एक छोटा सा हम डेमो दे देते हैं, देख लीजिए। तो सर आइए, चलिए आ गए हम, देखिए हम अपने बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को कैसे हम पुशअप करवाते हैं, कैसे हम रेडी करते हैं। तो आल गए जी, आर यू रेडी? तो चलिए पूरी पार्टी बैंड मोमेंट, पुशअप रेडी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन down up down up relax all guys stand। जैसे कि हम अपने बॉडी के लिए यहाँ पुशअप करवाते हैं, पुशअप करवाने के जैसे हम बहुत से हमारे भाई हैं कि जो कि चेस्ट में जैसे फिजिकल अगर रेडी करते हैं, वहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का जैसे चेस्ट वेस्ट हाइट होता है, तो बहुत से बंदे होते हैं तो चेस्ट में चढ़ जाते हैं, इसके लिए हम लोग पुशअप करवाते हैं कि वहाँ फिजिकल में जैसे मतलब कोई कमी ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना, कि शायद बंदा निकालने के बाद फिर वापस आ जाए। देखिए दोस्तों, हमारे बीच ये ट्रेनर थे, तो कुछ भारतीय सेना के लिए कोई गीत हो? हाँ सर, भारतीय सेना के लिए बस 2 लाइनें में कुछ कहना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं अपने भारतीय सेना के लिए 2 लाइन लिखा हूँ, जो कि अपनी इस मोबाइल से PDF से बोल रहा हूँ, जो कि 2 लाइनें लिखा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे देश के फौजी पूरी दुनिया में कोई ऐसा जवान नहीं, मेरे देश के फौजी जैसे पूरी दुनिया में कोई जवान नहीं, सांसे सरहदों पर गिरवी है उसकी, सांसे सरहदों पर है गिरवी सी, पर उसका गिरवी ईमान नहीं। ये धरती जिसकी माँ है, ये धरती जिसकी माँ है और ये आसमान जिसका बाप, याद ये धरती जिसकी माँ है, ये आसमान जिसका बाप, ये धरती जिसकी माँ है, ये तिरंगा जिसका बाप, पर ये परिवार जिसका देश है, मैं उसकी एक जुबानी हूँ, मैं अपने आप को एक फौजी बताने से पहले एक हिंदुस्तानी हूँ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों हम मौजूद थे शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के गांव धामूपुर, ये गाजीपुर की धरती क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।